नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस सेशन में जिसमें हम जनरल साइंस की बात कर रहे हैं। और 4 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो रहेगा ब्लड के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो टॉपिक इज ब्लड यानी रक्त। हमारे खून में हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन सी चीज़ें, क्या कंपोजिशन रहती है ब्लड की, क्या प्रेजेंट होता है, वन बाई वन देखेंगे। तो सबसे पहले प्लाज्मा एंड कोशिकाएं, प्लाज्मा एंड सेल्स। तो प्लाज्मा जो होता है ब्लड में 55% रहता है एंड बाकी के जो 45% हिस्से में हमारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स। फॉर एग्जांपल RBCs हो गए, WBCs हो गए, इनकी हम डिटेल में आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले देख लेते हैं कि कोशिकाएं जो हैं कौन कौन सी हैं और उनमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम कोशिकाओं की बात करेंगे तो आ जाती हैं हमारे पास दो टाइप की। वन इज लाल रक्त कोशिकाएं, जिन्हें हम इंग्लिश में RBCs या फिर एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिन्हें WBCs बोला जाता है, वाइट ब्लड सेल्स, और ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। एंड थर्ड जो हमारे साथ आते हैं जिन्हें प्लेटलेट्स बोलते हैं, इन दो सेल्स के साथ में विम्बाणु, हिंदी में बोला जाए तो विम्बाणु एंड प्लेटलेट्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो RBCs हैं, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है हमारी ब्लड में। दैट इज़ 99% जो हैं वो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिसकी वजह से हमारा खून जो है वो लाल होता है। अब बात करेंगे हम श्वेत रक्त कोशिकाओं की, तो वो 0.2% प्रेजेंट होती हैं एंड बाकी का जो 0.8% है वो हमारी प्लेटलेट्स रह जाते हैं, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। अब श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी ल्यूकोसाइट्स जो हैं, इनमें भी आगे दो टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दो टाइप की कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। सो एक होती है ग्रैन्यूलोसाइट और दूसरी होती है ए ग्रैन्युलोसाइट, जिसे हिंदी में बोला जाता है कणिकामय कोशिकाएं, और दूसरी ए ग्रैन्युलोसाइट को बोला जाता है अकणिकामय कोशिकाएं। अब बात करेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स की, तो यहाँ पे मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स जो सेल प्रेजेंट होते हैं, मतलब सबसे पहले हमने WBCs की बात की, तो WBCs को ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है एंड इनमें आगे दो टाइप की कोशिकाएं यानी दो टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं सेल्स के अंदर और दो टाइप के सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें ग्रैन्युलोसाइट में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं। इसमें मोनोसाइट की मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा रहती है एंड लिम्फोसाइट्स जो हैं वो कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। और जो अग्रैन्युलोसाइट हैं उनमें तीन टाइप के फर्दर सेल प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से। एक आता है इजाइनोफिल, हिंदी में भी इन्हें यही बोला जाता है, जो कि 2.5% प्रेजेंट होता है। फिर आते हैं बेसोफिल्स, जो कि 0-5% प्रेजेंट होते हैं, एंड फिर आते हैं न्यूट्रोफिल्स, जो कि सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, 65%। अब हम ब्लड की बात करेंगे कि खून के यानी रक्त के अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हिमेटोलॉजी, हिंदी में भी इसे हिमेटोलॉजी ही बोला जाता है। और जो हमारे रक्त का टेम्परेचर होता है, रक्त का जो तापमान होता है, अगर बात की जाए तो डिग्री सेल्सियस में 38 डिग्री सेल्सियस होता है एंड फॉरेनहाइट में 100.4 डिग्री फॉरेनहाइट रहता है ब्लड का टेम्परेचर। और हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में जो है, मैंने बात की सेल्स की, तो ये जो सेल हैं ये बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, ख़राब होते रहते हैं, डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, और ये फिर से बन जाते हैं। तो उस प्रोसेस को, फॉर्मेशन ऑफ सेल को बोला जाता है हिमेटोपोसेसिस। अब हमारे खून में जो, हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेजेंट होता है, जो रक्त प्रेजेंट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, उसकी जो डेंसिटी होती है, उसका जो घनत्व होता है वो कितना रहता है,
5.5 लीटर जो है वो टोटल वॉल्यूम प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में। और पीएच की बात करें तो पीएच मान जो होता है रक्त का वो रहता है 7.4। अब हमने सेल्स की बात तो कर ली कि कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, अब हम बात करेंगे प्लाज्मा की, जो कि 55% हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। और हमारे प्लाज्मा में ही 6-8% प्रोटीन प्रेजेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती है और उनका डिफरेंट फंक्शन रहता है। प्लाज्मा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो प्लाज्मा जो होता है वो एल्कलाइन होता है, मतलब क्षारीय, और ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, मतलब अंतर कोशिकीय द्रव्य होता है, सेल के अंदर ही विद इन द सेल जो प्रेजेंट होगा उसको इंट्रासेलुलर बोलेंगे। ये सेल के ही अंदर प्रेजेंट होता है और एक फ्लूइड जैसा होता है, इसीलिए इसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोला जाता है। एंड ये कुछ हल्के पीले रंग का यानी पेल येलो कलर का होता है और पारदर्शी ट्रांसपेरेंट सा एक फ्लूइड होता है। अब बात करें कंपोजिशन की, किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, तो इसमें 90-92% जो है वो सारा वाटर प्रेजेंट होता है एंड बाकी जो 8-10% है वो सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट होता है। इसमें जो है वो आयंस भी प्रेजेंट होते हैं यानी खनिज, हिंदी में बोला जाए तो खनिज, तो यहाँ पे सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस एंड और भी आयंस हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लाज्मा में। और न्यूट्रिटिव जो हमारे पास ब्लड के लिए जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं वो भी, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, लिपिड्स हो गया, ये भी हमारे प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स की, तो 3 टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती है। एक होती है एल्ब्यूमिन, जिसको हिंदी में भी एल्ब्यूमिन ही बोला जाता है, और ये ऑस्मोटिक बैलेंस यानी परासरण को नियंत्रण करने में, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखती है हमारी बॉडी में, मतलब जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज होता है, जो भी गैसेस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है उनका जो चेंज होगा उसका प्रेशर बना के रखती है। नेक्स्ट आती है ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म का काम करेगी। इसका मतलब है कि जब भी हमें कोई बीमारी होगी, कोई भी हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल या फिर फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेगा जिससे हम बीमार हो सकते हैं, तो उस बीमारी से जो बचाएगी वो ग्लोबुलिन प्रोटीन होगी। तो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, हिंदी में बोला जाए तो रक्षा का काम करता है ये। एंड थर्ड वन आती है फाइब्रिनोजन, तो ये ब्लड क्लॉट, रक्त स्कंदन, ब्लड क्लॉट जब हमें चोट लग जाती है और फिर रक्त का थक्का बन जाता है उसको बनाने में हेल्प करती है ये फाइब्रोजन प्रोटीन। अब गैसेस की बात की थी हमने, तो गैसेस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके साथ जो है इनका तालमेल होता है। और नेक्स्ट देखेंगे, अब हमारे ब्लड का वो हिस्सा जहाँ पे प्लाज्मा प्रेजेंट नहीं होगा, जिसमें प्लाज्मा नहीं होता है, मींस ये जो प्लाज्मा है इसमें हमारे पास एक और चीज़ होती है, हमारे ब्लड में प्लाज्मा होगा एंड सेल्स होंगे, बट एक कोई हिस्सा होता है जिसमें प्लाज्मा नहीं होता है, तो वो विदाउट प्लाज्मा वाला जो हिस्सा होगा उसे हम सीरम बोलते हैं, मतलब स्पंदन कारकों के बिना जो प्लाज्मा होगा उसको हम सीरम बोलेंगे। अब ये है ग्लूकोज की क्वांटिटी, कि ग्लूकोज कितना प्रेजेंट होता है, 80-100 मिलीग्राम प्रेजेंट होता है ग्लूकोज। और अगर ग्लूकोज की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाती है, 180 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाती है, तो हमें शुगर हो जाती है, जिसको मधुमेह बोलते हैं, डायबिटीज़ बोलते हैं, और अदर नेम है इसका हाइपरग्लाइसीमा। और अगर शुगर लेवल जो है हमारी बॉडी का डाउन हो जाता है, यानी ये ग्लूकोज लेवल जो है वो लो हो जाएगा, 70 से नीचे चला जाएगा, तो हाइपोग्लाइसीमा हो जाता है, मतलब अल्प ग्लूकोज रक्ता, मतलब शुगर लेवल जो है यानी ग्लूकोज लेवल जो है हमारी बॉडी में कम हो जाएगा। तो ये कुछ डिजीज़ हैं जो कि हमने देखी कि ग्लूकोज की लेवल जो है वो अगर ज़्यादा हो जाता है तो कौन सी बीमारी होती है, और कौन सी बीमारी अगर ग्लूकोज कम हो जाता है तो कौन सी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे आरबीसीज, लाल रक्त कोशिकाएं।
तो ये हमारी बॉडी में 4.5 to 5 मिलियंस की तादाद में प्रेजेंट होती हैं, और पिगमेंट जो इनके अंदर वर्णक होता है जिसकी वजह से इनका रंग लाल होता है उसे हीमोग्लोबिन बोला जाता है। एंड एलिमेंट पूछा जाए तो आयरन, एलिमेंट आयरन, Fe इज़ अ सिंबल ऑफ आयरन, एंड आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में, एंड हीमोग्लोबिन पिगमेंट है RBCs का, जिसकी वजह से जो है RBCs का कलर लाल होता है। अब बात करें इनके जीवन काल की यानी लाइफ स्पैन की, तो 120 डेज तक रहते हैं इनका जीवन काल होता है। अब बात करेंगे हम डिजीज़ की, अगर RBCs का लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाता है तो पॉलीसाइथीमिया हो जाता है यानी बहुलोतिदा अनुरक्तता हो जाती है, और अगर वही लेवल जो है वो डिक्रीज कर जाता है तो इसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपेनिया यानी लोहित कोशिका ह्रास, ये इसका हिंदी में है। तो लेवल इंक्रीज एंड डिक्रीज जो हैं वो सभी में ही होंगे और डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ होती हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे शेप, तो इसकी शेप जो है वो स्फेरिकल रहती है मतलब गोलाकार होती है, और डायमीटर जो होता है वो इसका 7 to 8 μm तक रहता है। बेसिकली इसकी शेप जो है वो स्फेरिकल ही होती है। अब हम बात करें कि इसकी जो क्वांटिटी है वो मेल फीमेल एंड चाइल्ड में कितनी रहती है, तो मेल में जो होगी वो 5.0 मिलियन होगी, फीमेल में 4.5 मिलियन होती है, एज़ कंपेरिजन टू मेल कम होती है, एंड चाइल्ड में सबसे ज़्यादा होती है दैट इज़ 7.0 मिलियन। अब हम बात करेंगे कि RBCs बनती कहाँ हैं, जब हमने डाइजेशन वाला टॉपिक किया था हमने वहाँ भी देखा था कि RBCs की फॉर्मेशन जो होती है वो रेड बोन मैरो में होती है, जिसे हिंदी में लाल अस्थि मज्जा बोला जाता है, और ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं का क्या रहता है, तो स्प्लीन एंड कुप्फर सेल, तो स्प्लीन एंड कुप्फर सेल जो हैं वो ग्रेवयार्ड होते हैं RBCs का, कुप्फर सेल जो हैं वो हमारे लीवर में प्रेजेंट होते हैं और ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs के नाम से भी जाना जाता है उनको। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी मेल फीमेल एंड चाइल्ड में कितनी रहती है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो मेल में 15 g/100 ml होता है, फीमेल में 13.5 g रहता है पर 100 ml में, एंड चाइल्ड में जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है 16.5 g/100 ml में। ये बात हो गई हमारी RBCs यानी लाल रक्त कोशिकाओं की। अब हम नेक्स्ट देखेंगे श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिनको ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है। ल्यूकोसाइट्स का मतलब है जो कि विदाउट कलर हो, जिसमें कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं हो, उसे हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। अब ये जो है हमारी बॉडी में 6000 to 8000 per mm प्रेजेंट होती हैं, मतलब 6000 से 8000 तक, और इनका जो जीवन काल है लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, 12 to 20 days तक ही रहती हैं ये। अगर हमारी बॉडी में WBCs का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है तो उसे ल्यूकेमिया बोलते हैं, और अगर डिक्रीज़ हो जाता है तो उसको ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। और जब हमारी बॉडी में WBCs की कंसेंट्रेशन यानी WBCs का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है तो वो ब्लड कैंसर बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ल्यूकेमिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेप की, तो इनकी कोई भी शेप नहीं होती है, अमीबॉइड शेप होते हैं, मतलब ये अपना आकार बदलते रहते हैं, जैसे अमीबा होता है तो अमीबा कोई भी एक फिक्स्ड शेप में नहीं रहता है, अपना आकार बदलता रहता है, तो उसी तरह वाइट ब्लड सेल जो हैं ये भी अपना आकार बदलते रहते हैं। नेक्स्ट इसमें सेल प्रेजेंट होते हैं लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड डिफरेंट इनके आगे टाइप्स हैं, तो वन बाई वन देखेंगे हम। तो जो लिम्फोसाइट्स हैं वो सबसे छोटे सेल्स होते हैं, और इनमें बी और टी टाइप के सेल भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसका मतलब है कि बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो WBCs
में प्रेजेंट होते हैं और प्रतिरक्षा उत्पादन करते हैं, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म का काम करेंगे बी एंटी लिम्फोसाइट्स। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे मोनोसाइट्स की, तो ये सबसे बड़े होते हैं और जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, इसीलिए इनको फैगोसिटिक सेल्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट है एजाइनोफिल्स, जो कि एलर्जी जो हमारी बॉडी में होती है और जो डिफेंस का काम करेंगे, और जब भी हमें एलर्जी हो जाती है तो उस टाइम ये एक्टिव हो जाते हैं और हमें इतनी अफेक्ट नहीं करती है कोई भी चीज़, तो ये उस चीज़ का काम करेंगे। एंड नेक्स्ट आते हैं बेसोफिल्स, तो बेसोफिल्स में हेपरिन और हिस्टामिन प्रोटीन जो हैं उनका फ्लो होता है। तो हमने ये डाइजेशन वाले चैप्टर में कर लिया था कि हेपरिन जो है वो कहाँ से रिलीज़ होता है और इसका काम क्या रहता है। चलो फिर से बता देती हूँ कि हेपरिन जो है वो एंटी कोगुलेंट है, मतलब रक्त का थक्का जमाने नहीं देता है। नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रोफिल, जो कि सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और ये भक्षण प्रवृत्ति होती है, मतलब ये मैक्रोफेजेस होंगे, ये जो बाहर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी अटैक करेंगे उनको जो है वो ख़त्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, और सबसे ज़्यादा ताकत होती है इनको उन्हें नष्ट करने के लिए, और ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की, जिन्हें हिंदी में विम्बाणु बोला जाता है। इनका जो जीवन काल है वो रहता है 1 हफ्ते का। और अब हम बात करेंगे बीमारियों की, अगर प्लेटलेट्स का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो उसे बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस, और डिक्रीज हो जाता है तो उसे बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब इनकी शेप देखें तो गोल भी होती है और अंडाकार भी होते हैं, यानी राउंड भी होते हैं एंड ओवल भी होते हैं, और इनका जो जन्म है वो भी बोन मैरो में होता है। अब रेड ब्लड सेल जो है वो भी बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में बनते हैं, और प्लेटलेट्स भी बोन मैरो में ही बनते हैं। तो ये बात थी हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा की, तो वो देखा हमने। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग, जो रक्त का थक्का बनता है वो एक साइकिल होती है, तो वो ब्लड क्लॉटिंग का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था हॉल ने। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, उस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, कौन सी एंटीबॉडी होती है, और कौन से ब्लड ग्रुप जो हैं वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, कौन से टाइप का ब्लड ग्रुप एंडोनेट कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट आता है ब्लड ग्रुप ए, जिसमें प्रतिजन एंटीजन बोला जाता है, तो उसमें एंटीजन ए प्रेजेंट होता है, मतलब जो भी ब्लड ग्रुप होगा उसमें एंटीजन जो प्रेजेंट होगा वो सेम ही प्रेजेंट होगा, और एंटीबॉडी जो होगी वो उसके अपोजिट होगी। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की, तो इसमें एंटीजन ए ही प्रेजेंट है एंड एंटीबॉडी जो है वो इससे डिफरेंट है, दैट इज़ बी एंटीबॉडी। और जो डोनर होगा, तो जो ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन होगा कोई भी, तो वो डोनेट कर सकेगा ए ब्लड ग्रुप वाले को एंड ए बी ब्लड ग्रुप वाले को, और जो एक्सेप्ट करेगा, मतलब जब ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को रिक्वायरमेंट होगी ब्लड की, तो उसे ए ब्लड ग्रुप वाला ही व्यक्ति और ओ ब्लड ग्रुप वाला ही व्यक्ति डोनेट कर सकता है ब्लड, बाकी बी और ए बी वाले नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बी ब्लड ग्रुप की, तो बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन जो है वो बी प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडी जो होगी इससे अपोजिट होगी, दैट इज़ ए। अब ये जो डोनेट करेगा ब्लड, तो ये बी वालों को भी कर सकता है और जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन होते हैं उनको भी डोनेट कर सकता है। बट जब इसको एक्सेप्ट करना हो, जब इसको रिक्वायर्ड होगा ब्लड, तो ये किसी बी और ओ पर्सन जो होगा, जिनका ब्लड ग्रुप बी होगा और ओ होगा, उन्हीं से ही एक्सेप्ट कर सकता है, बाकी ए बी और ए वाले से नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें जो है वो एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है।
जो कि प्रतिरक्षी होगी, उसकी वजह से जो है ये एक्सेप्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप ए बी, तो इसमें एंटीजन भी ए बी प्रेजेंट होगा और इसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, और ये जो एक्सेप्ट करेगा जब इसको रिक्वायरमेंट होगी तो ये इस ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को किसी भी पर्सन का ब्लड जो है वो डोनेट कर सकते हैं, मतलब कोई भी पर्सन का ब्लड जो है ये एक्सेप्ट कर लेता है, बट ये डोनेट जो है वो ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ही करेगा, किसी बी और ए और ओ वाले को नहीं कर सकता है, सिर्फ ए बी वाले को ही कर सकता है। और जब इसको रिक्वायर्ड होगी, जब इसको ज़रूरत होगी, तो इसको किसी भी पर्सन का ब्लड चढ़ सकता है, मतलब ब्लड ले सकता है। और लास्ट में आता है ब्लड ग्रुप ओ, तो इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है और एंटीबॉडी जो होती है इसमें ए बी प्रेजेंट होती है, और ये जो है वो सभी को डोनेट कर सकता है, ए बी वाले पर्सन को भी कर सकता है और ए वाले को भी कर सकता है, बी वाले को भी कर सकता है एंड ओ वाले को भी कर सकता है। बट अगर इसको रिक्वायरमेंट होगी ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को, तो उसे एक्सेप्ट करने के लिए ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का ही ब्लड चाहिए होगा, ना कि ए बी ए एंड बी वाले का, किसी का भी नहीं। तो इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ को जो है वो यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो बोला जाता है ए बी ब्लड ग्रुप को। एक और है, एक फैक्टर आता है ब्लड ग्रुप का, दैट इज़ आर एच फैक्टर, आर एच ब्लड ग्रुप बोला जाता है। तो ये दिया था लैंडस्टीनर एंड वेनियर ने। तो ब्लड के बारे में यही था, इतनी ही चीज़ें थी कि ब्लड में कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है, कौन से टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो इसी के साथ हमारे बायोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।